योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपको हेल्दी रहना है और आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट है और टाइम नहीं मिल सकता है एक्सरसाइज के लिए, तो योगा बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। बहुत हेल्थ इश्यूज़ जिसको है, जैसे बैक प्रॉब्लम या ये सब योगा से क्योर हो सकता है। हाँ, जो उसने कहा सही है, और मेरे ख्याल से योगा से आपको शांति बहुत मिलती है। एक मानसिक जो शांति बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए, वो आपको योगा से मिलेगी। बहुत सारे आसन होते हैं जिनमें हम ध्यान भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ध्यान, कोई भी आसन आप ले लीजिए, वो मुद्राएं ऐसी होती हैं, वो आपका एक दिमाग से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। तो दिन भर की, मेरे ख्याल से आप दिन भर थके हुए नहीं लगेंगे। हाँ, सुबह उठने में थोड़ा आलस आता है, बट एक बार अगर आप उठ के और सुबह सुबह शुरुआत, दिन की शुरुआत में ही योगा कर लें, तो पूरा दिन आपका ना पूरा ताजगी और भरपूर जोश वाला रहता है, एनर्जी। इस तारीख को तो वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। पूरा देश का, पूरा वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योगा भारत इंडिया मतलब की देन है। तो अगर ऐसा है तो हमें इसको और प्रमोट करना चाहिए। हर कम से कम इंडिया में तो हर किसी को ये करना चाहिए। और कितने ऋषि मुनि थे जो पुराने पूजा पाठ से ज़्यादा वो ध्यान करते थे, क्योंकि ध्यान से आपकी मन की शुद्धता और शरीर दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। तो करना चाहिए, मैं भी करूँगी। उस दिन जुड़े, अगर जो नहीं कर रहे हैं, कम से कम उस दिन में एक दिन ऐसा सोच लें कि आज योगा दिवस है, तो कम से कम आज करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उस एक दिन आप करके देखिए, आपको पूरा दिन खुद ही महसूस होगा वो ताजगी, वो हर एक चीज़। तो मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए, प्लीज़ इसे प्रमोट करिए। और मैं भी सुबह उठ के अब योगा करूँगी। इस चीज़ को ना थोड़ा कंट्रोवर्सियल बना दिया गया है, कि बोला जा रहा है कि मुस्लिम लोग योगा नहीं करते। ऐसा कुछ बात नहीं है, योगा रिलीजियस नहीं है। देयर इज नथिंग रिलीजियस अबाउट योगा। योगा तो हम हेल्थ के लिए करते हैं, हम अपने फिजिकली फिट। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान कुछ अलग तरीके से बने और हिंदू कुछ अलग तरीके से बने, दोनों ही सेम ही है, इंसान ही है सब। तो वो तो गलत ही है। एक तरीके से सोचते हैं, दुख होता है तो हिंदू मुसलमान को दोनों को दुख होता है, सुख होता है तो उसमें योगा इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी, हेल्थ और बॉडी। सो हेल्थ के लिए कीजिए, ना ही कोई रिलीजियस इशू तो है नहीं इसमें। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल पीस एंड बॉडी फिटनेस, और स्पेशली फॉर एक्ट्रेसेस, एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि हमको फिट रहना है अगर इस इंडस्ट्री में रहना है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है, कहीं ऐसा नहीं बाहर जाना है कि जिम के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। आप घर पे कभी भी सुबह टाइम निकाल के आराम से करें, घर पे कीजिए।